यह कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि मनुष्य का भय ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। लेकिन क्या करें, हमारा देश अपनी रहस्यमयी और भूतिया जगहों के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे भारत देश में ऐसी कई जगह है जहां भूत और ऊपरी हवाओं से जुड़े कई किस्से दफन है, जहाँ शाम ढलने के बाद राहें रह जाती हैं सुनसान, जहाँ एक कदम रखने से डरता है इंसान। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। सबसे पहले नजर डालेंगे मुंबई के कोलबा में समुद्र के पास मौजूद एक जगह पर जिसका नाम मुकेश मिल्स है। यह जगह एक समय में मुंबई में काफी चर्चित भी रही। 11 एकड़ में फैली यह जमीन अंधेरे से भरी है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह का रहस्य फिल्म ओम शांति ओम से मिलता जुलता है। अब बात होगी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की एक बेहद ही खौफनाक जगह के बारे में। इस जगह का नाम जेपी ब्लॉक है, जहां दिन ढलने के बाद लोगों की आवाजाही ना के बराबर है। लोगों का मानना है कि यहां उन्होंने रात में 4 पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में बैठे देखा है। साथ ही लोगों का दावा है कि यहां एक लड़की लाल कपड़े पहने घूमती है। नजर डालेंगे हैदराबाद के गोलकुंडा किले पर, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस किले में रानी तारामती की आत्मा भटकती है, जिसे मरने के बाद पति के साथ इस किले में ही दफन कर दिया गया था। कहते हैं कि रानी के चलने की आवाज आज तक सुनाई देती है। अब हम जिस जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं, हो सकता है कि उस जगह का नाम आपने पहले भी सुना हो। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले के बारे में। आपको बता दें कि यह भारत का टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस से एक है। इसे आम बोलचाल की भाषा में भूतों का भानगढ़ भी कहा जाता है। दरअसल यह कहानी है एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती की, जिन पर महारत तांत्रिक सिंधुर सेवड़ा आसक्त हो जाता है। वो राजकुमारी को अपने काबू में करने के लिए काला जादू करता है और खुद ही उसका शिकार होकर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे जाता है। एक महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़वासी मर जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो जाता है। से यह जगह आज तक वीरान है और कहते हैं कि इस लड़ाई में मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी इस किले में भटकती हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने इस जगह पर 5 बजे के बाद एंट्री बंद कर दी है। कहते हैं कि गोवा के किंग्स चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है और कई बार चर्च में आए लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी समय यहाँ 3 पुर्तगाली राजा हुआ करते थे। इनमें वर्चस्व को लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक बार होलगेर नाम के एक राजा ने अन्य राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर मार दिया। जब लोगों को होलगेर के इस करतूत के बारे में पता चला तो उन्होंने इसके महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफना दिया गया था। इसके बाद से ही इस चर्च में ऊपरी ताकतों का निवास माना जाता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।